अस्सलाम वालेकुम। और आप देख रहे हैं हाउ टू व्लॉग। अभी रात के 8-9 बज रहे हैं। हम कजन्स कुछ काम के लिए बाहर जा रहे हैं कल सुबह। इस वीडियो को कैरी ऑन करते हैं, स्टे विद मी। थैंक यू बॉस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इस चीज के बारे में कि हाउ टू व्लॉग, या अगर आप ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं या अपना पहला व्लॉग बनाना चाहते हैं यानी एक ब्लॉगिंग की दुनिया में एंटर होना चाहते हैं। मैं किचन में इसलिए खड़ा हूँ, मेरे भी नाश्ता बनाना है तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। तो सीन ये है कि हाउ टू व्लॉग, व्हाई डू यू नीड टू व्लॉग एंड व्हाट टू व्लॉग, ये तीन चीजें थ्रू आउट द वीडियो अपने माइंड में रखनी। इन चीजों को मैं भी एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो पहला कंटेंट ये कि हु कैन व्लॉग, आंसर ये है कि कोई भी, हर वो बंदा जिसके पास टाइम है, जो कैमरा शाय नहीं है, अगर है भी तो वो कुछ अच्छा व्लॉगिंग करने के बाद नहीं रहेगा, हर वो शख्स जो अपने काम में कंसिस्टेंट है। अगर आप व्लॉगिंग शुरू कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको शौक होगा तो कर रहे होंगे, तो इस काम में कंसिस्टेंट होना भी जरूरी है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरी चीज ये कि व्हाई डू यू नीड टू व्लॉग, देखो वो इसलिए कि तुम क्रिएटिव हो, तुम अपने दिन को एक वीडियो में डॉक्यूमेंट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें अपने काम से प्यार है, अपने इस काम को तुमने हॉबी बना लिया, तुम कुछ रिसर्च वगैरह करके इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हो अपने शौक के लिए, अपने काम के लिए, या फिर इसलिए क्योंकि तुम्हें पैसे चाहिए। ये चीज़ तुमने बिल्कुल एंड में रखनी है, कह लो कि ये चीज़ तुम्हें अपने उन सब बिताए हुए वक्तों का, द एफर्ट यू पुट इन, उन सब चीज़ों का रिवॉर्ड समझो। लेकिन पहली वाली चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना। सो हु कैन व्लॉग एंड व्हाई यू नीड टू व्लॉग हो गया। अब आती है हमारी व्हाट टू व्लॉग की। देखो अब तुम मशीन तो हो नहीं कि लाइक तुम्हारी एक जैसी रूटीन है, तुम एक जगह पड़ी हो, रोजाना एक जैसा काम है, ये वो नहीं। तुम्हारी लाइफ में रोजाना कुछ ना कुछ ऑब्वियसली होता है, रिगार्डलेस ऑफ इट बीइंग इवेंटफुल और नॉट, लेकिन मतलब फिर भी कुछ तो चल रहा है ना। तो बस उठाओ कैमरा, नहीं अभी नहीं, थोड़ा स्क्रिप्ट करो, उसको प्लान करो, ऊपर बताई हुई सब क्वालिटीज अगर तुम में हैं तो उसको स्लोली बिल्डअप करो, स्ट्रॉन्ग करो, फिर जाके अपने काम में क्रिएटिव हो जाओ और शूट करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इन तीन चीज़ों का जवाब है तुम्हारे पास तो तुम व्लॉग कर सकते हो। तो बनाने लगे फर्स्ट व्लॉग। उससे पहले मेरी पर्सनल स्टोरी सुनो, वो ये कि जब मैंने ये शुरू किया था मेरे पास उन तीनों चीज़ों का जवाब था, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शॉर्ट कमिंग्स थी उन चीज़ों में से, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं करूँ, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी मोटिवेशन ये थी कि मेरे पास जो पिछला कैमरा था वो बिल्कुल ही यूज़लेस, लाइक मतलब नहीं था ठीक फ़ोन। तो जब मैंने फ़ोन चेंज किया, मैंने इस फ़ोन को टेस्ट भी करना है और लेट्स सी के कैसा आज बनता है ये वो, लाइक बहुत लंबा अरसा प्लान नहीं किया, ऑब्वियसली विद इन अ वीक थोड़ा सा लिखा उसे, फिर मैंने जो है, आप चेक कर सकते हैं मेरी फर्स्ट वीडियो, उसमें सिर्फ मेरे पास एक ट्राईपॉड था और फ़ोन था। तो ये बताने का मकसद ये है कि मैंने सिर्फ ये सोचा कि जस्ट डू इट, मैं अपनी वीडियोज़ के लिए क्या करता हूँ, क्या यूज़ करता हूँ। मैंने कहीं ना कहीं अपनी पिछली वीडियोज़ में इसको शॉर्टली एक्सप्लेन किया है, लेकिन दिस वीडियो इज़ गोना बी सोलली अबाउट हाउ टू व्लॉग फीचर उसामा अमजद कुरैशी। और अपनी इस जर्नी के बारे में ये बताना चाहूँगा कि मैं एक आज़ाद परिंदा नहीं हूँ, मैं फुली यूट्यूब के लिए काम नहीं कर रहा, मेरी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जॉब, स्टडी, कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये वो। जो बंदे मेरी तरह के हैं अगर वो इस काम को साइड पे स्टार्ट करना चाहते हैं मेरी तरह, तो आई नो मुश्किल है, लेकिन 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 अगर आप सो के दिन गुजारते हैं, अगर आप कुछ साइड हसलिंग करना चाहते हैं तो इसको मेन हसल बनाकर भी कर सकते हैं फुली फोकस के साथ और मेरी बताई हुई इन्फॉर्मेशन के साथ। सो आई होप के हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो अगली चीज़ के सब क्वालिटीज़ आप में हैं, आपने उन तीनों क्वेश्चन का जवाब दिया, अब आप रेडी हो व्लॉग बनाने के लिए, तो उठाओ कैमरा। इजी वे ये है कि अपने व्लॉग के लिए पहले थोड़ी प्लानिंग करो, उसे लिखो, चेकलिस्ट बनाओ कि ये करना है, फिर जब हो जाए तो उसे मार्कअप और फिर शुरू हो जाओ। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मरी जा रहा हूँ, हम पहाड़ देखेंगे, पिक्चर बनाएंगे, बंदरों को खाना खिलाएंगे, ये वो पता नहीं क्या क्या, ऐसे नहीं। देखो ऐसा है कि कभी कभी ठीक है, कर सकते हो, अपने दिन के बारे में बता सकते हो कि ये होने जा रहा है, लेकिन सब कुछ नहीं, शूट ड्यूरिंग द इवेंट मोस्टली। कुछ रह जाए तो वाइल एडिटिंग भी तुम घर आके बता सकते हो, वॉइस ओवर्स कर सकते हो, बी रोल्स बनाओ के लाइक अपनी किसी भी टाइमलाइन में ड्यूरिंग एडिटिंग किसी भी इंफॉर्मेशन के ज़्यादा उसके बारे में बताने के लिए ऊपर बी रोल्स ऐड करना एज अ पिक्चर या वीडियो या कोई भी शॉट उसके बारे में, सिनेमेटिक्स, वॉइस ओवर्स, टाइम लैप्स, स्लो मोस, मतलब इन योर व्लॉग्स यू नीड टू ग्रैब अटेंशन ऑफ द व्यूअर्स, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दो, शूट मोर। मैंने इस पूरे प्रोसेस की स्टेप बाय
स्टेप ऑफ वर्किंग तुम्हें ब्रीफली एक्सप्लेन कर दी है। इसके बाद आता है मेन काम, एडिटिंग, जो कि सिर्फ एडिटिंग नहीं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, एडिटिंग टिप्स, म्यूजिक सिलेक्शन प्लेटफॉर्म, साउंड इफेक्ट्स के लिए प्लेटफॉर्म, जिस मशीन में आप एडिट कर रहे हो उसके स्पेक्स। आई थिंक उसके लिए अगली वीडियो होनी चाहिए, उसके लिए प्लीज़ गिव दिस वन अ बिग थम्स अप और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।